सो हे गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं खासकर अपने GoPro कैमरा के लिए बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं अपने GoPro Hero 9 के बारे में आपको बताऊंगा कि दोस्तों फाइनली मैंने GoPro Hero 9 खरीद लिया है। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया हम लोग को, बट कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग को व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों GoPro अगर आपके पास ना हो तो दोस्तों उससे थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अभी तक मतलब कि हम लोग मोबाइल से अपनी रिकॉर्डिंग करते आए थे, बट दोस्तों अब हम लोग का जैसे कि हमारा एक और चैनल है, आप सभी को पता ही है, सुटपो फैक्ट्स करके, तो दोस्तों हम लोग ने उससे थोड़ी बहुत अर्निंग की। एंड दोस्तों एक नई वीडियो में मतलब इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बताएंगे कि हमने वहां से मतलब जो सुटपो फैक्ट्स है वहां से अर्निंग की। एंड दोस्तों अपने लिए फाइनली एक GoPro Hero 9 खरीद लिया हमने। आप देख सकते हैं दोस्तों ये GoPro Hero 9 का पूरा है और ये बॉक्स है दोस्तों। इस बॉक्स में दोस्तों हम लोग का ये हीरो 9 का कैमरा सेटअप है पूरा। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा कि ये कैमरे की खासियत क्या है और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को मिली हैं, मतलब कि इस कैमरे के साथ साथ हमको क्या क्या मिलता है अगर आप सिर्फ कैमरा खरीदते हैं तो। और दोस्तों क्या आपको इसमें SD कार्ड खरीदना पड़ता है या आपको इसके साथ मतलब कि पूरा बंडल किट भी आता है, लेकिन दोस्तों हम लोगों ने बंडल किट नहीं खरीदा। बंडल किट की जगह हम लोग ने एसेसरीज अलग से खरीदी हैं, उसमें कई सारी एसेसरीज अलग से आती हैं, वो एसेसरीज मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एसेसरीज दोस्तों ये है, इसके अंदर बहुत सारी एसेसरीज हैं पूरा। ये मैंने शायद 50-in-1 का मतलब पूरा किट मंगाया था। इस किट के अंदर आपके सारे सारे माउंट्स हैं, जैसे कि आप गाड़ी पे बाइक पे चलाते हैं रिस्ट वाला या फिर हेलमेट वाले माउंट्स, अलग सारे माउंट्स इसके अंदर है। ये भी कितने का पड़ा, GoPro हमारा कितने का पड़ा है। और दोस्तों हमारे ने हमने एक गोरिल्ला ट्राइपॉड भी खरीदा है। और दोस्तों साथ ही साथ जो मतलब कि जो हमने किट खरीदा उसके साथ हमको एक सेल्फी स्टिक मिली है, मैं वो सेल्फी स्टिक भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने अलग से ही इसको निकाल रखा था, तो आप देख सकते हैं इस टाइप की सेल्फी स्टिक मिली है। और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंपेटेबल है और बहुत ही मजबूत भी है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों मतलब क्योंकि पूरी एकदम ये स्टेनलेस स्टील या आयरन की है, बट मोनोपॉड है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये जरूरी है माउंट्स, क्योंकि दोस्तों जब इसमें आप देख रहे हो ये चीज़ GoPro आपका इसी के अंदर ही लगता है। मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, पहले आपको GoPro दिखाता हूँ कि GoPro के बॉक्स में हमको क्या क्या मिलता है और GoPro में क्या क्या रहता है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं ये बॉक्स, तो अब इस बॉक्स को खोलते हैं एंड आप सभी को दिखाता हूँ। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, अब ये देखिए हमारा GoPro का बॉक्स से हमने अपना GoPro निकाला, ठीक है। अब इस GoPro को बॉक्स में हमारे को क्या क्या मिलता है उस चीज़ को देखते हैं। सो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें दोस्तों हम लोग को कई सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि एक डाटा केबल, एक बैटरी और 2-3 माउंट्स हैं हम लोग को दिए हुए हैं। एक ये वाला होल्डर, एक ये माउंट और दो एक ये दे रखा है, ठीक। अब दोस्तों आपको GoPro का कैमरा भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको बॉक्स में सिर्फ एक बैटरी मिलेगी, आप लोग को कैमरा मिलेगा और एक डाटा केबल मिलेगा। और GoPro का कैमरा हमारा ये रहा, आप ये देख सकते हैं ब्रांड न्यू कैमरा हमारा। इसको दोस्तों हम लोग अभी एडजस्ट करते हैं और इसको ऑन करके भी आपको मैं सभी को दिखाता हूँ, बट उससे पहले इसके साथ की जो एसेसरीज मिली है वो भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। और दोस्तों एक और चीज़, आप लोग को इसके साथ SD कार्ड्स भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों SD कार्ड्स अगर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि दोस्तों ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप लोग 128 GB वाला SD कार्ड ही खरीदिएगा। और दोस्तों ऑन एन एवरेज ये हम लोग को अराउंड, जैसे कि कैमरा जो है हमारा ये 37,000 का पड़ गया था। और दोस्तों उसके साथ साथ हमने लोग ने अलग अलग इक्विपमेंट्स भी मंगवाए हैं, जैसे कि जो हमने इसके लिए एक एक्स्ट्रा बैटरी मंगवाई थी दोस्तों, GoPro की ओरिजिनल बैटरी मंगवाई है हमने, ये भी ये अराउंड हमको 2,000 के आसपास पड़ी है। और दोस्तों जो हमने साथ साथ इसके मतलब एक SD सैंडिस्क का SD कार्ड भी मंगाया था ये, तो दोस्तों ये भी हम लोग को जो पड़ा है ये भी हमारा 1,800 के आसपास अराउंड पड़ा है, मतलब 2-2 4,000, 37,000 प्लस 4,000 मान लीजिए वही 42-43,000 के आसपास पड़ गया, 41 point something। और फिर दोस्तों एक गोरिल्ला पॉड हमने मंगाया था ये वाला दोस्तों, क्योंकि अब बट हमने गोरिल्ला पॉड मंगाया, लेकिन गोरिल्ला पॉड में ये जो यहाँ पे ये माउंट होता है ये वाला, तो आपका मोबाइल और कैमरा के लिए हो गया, GoPro इसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए भी दोस्तों आप लोग को एक अलग से माउंट्स मंगाने पड़ेंगे, वो दोस्तों 20-30 रुपये का आप अलग से मंगाएंगे तो मिल जाएगा, बट दोस्तों आप लोग को ये अलग से मैंने जो मंगाया है इसके अंदर सारे के सारे माउंट्स पड़े हुए हैं। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दोस्तों आप एक पाउच बैग मिला है हमें, फिर दोस्तों एक ये जो मतलब सीने पैसे बांध लेते हैं वो वाला है, ठीक है।
साथ ही साथ दोस्तों कई सारे माउंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यह पूरा माउंट्स हम लोग को ये मिला है। ये चेस्ट वाला है, ये अलग अलग कई सारे, ये हैंड वाला है जैसे बाइक पे आप हाथ पे भी बांध सकते हैं, ये कार का डैशबोर्ड वाला है। और इसमें साथ ही साथ दोस्तों आपको ये सब स्टिकर्स भी मिलते हैं, ये अलग अलग माउंट्स चिपकाने स्टिक करने वाले कई सारे ये सब मिले हुए हैं माउंट्स। और दोस्तों जो मैं कह रहा था उस गोरिल्ला पॉड पे लगेगा वो ये वाला लगता है, यही वाला आपका गोरिल्ला पॉड पे लगेगा ऊपर की तरफ, ताकि आप इसको गोप्रो से माउंट कर सकें। ठीक है, तो यही सारे इक्विपमेंट्स है जो हमको मिले हैं गोप्रो के सारे के साथ, ये सारे। तो दोस्तों ओवरऑल कॉस्टिंग हम लोग की यहाँ पे अराउंड दोस्तों 45,000 के आसपास पड़ गई। और दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ, ये पूरा मैंने सिर्फ अपने पैसे से मंगाया है, कोई भी चीज़ अपने घर वालों से नहीं ली है। और दोस्तों आप भी कभी भी इस टाइप से मत कीजिएगा कि मतलब आप लोग अपनी तरफ से मतलब इस चीज़ को अराउंड करें कि मतलब कि हमें अपने पेरेंट्स से जिद करने लगे कि आपको जिद करके अपने पेरेंट्स से मंगाएं, ऐसा कभी मत कीजिएगा आप। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर अब बैटरी लगाते हैं हम लोग इसके अंदर, जैसे कि दोस्तों आप GoPro देख सकते हैं हमारा इसके अंदर। दोस्तों ये इस साइड आपका बैटरी लगता है, मैं यहाँ से मतलब इसको अप करना होता है, मतलब इसको पहले ये जो चीज़ देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये इस चीज़ को ऐसे नीचे की तरफ खींचिए तो ये खुल जाता है। ठीक है, ये आपका खुल गया। अब इसके अंदर दोस्तों जो ये बैटरी प्रोवाइडेड है आपको ये देख सकते हैं इस टाइप से, तो इसको दोस्तों जैसे कि जहाँ पे वो पिंस दे रखे हैं उस पिंस के ऐसे ये लेके आप इस पिन को ऐसे घुसाइएगा और यहाँ पे लग गया। और हमने इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी स्लॉट लगा दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, और फिर इसको यहीं पे ऐसे दबा दीजिए तो ये हो गया। और ये दोस्तों देखिए GoPro हमारा स्टार्ट हो रहा है इस टाइप से, ठीक है देख सकते हैं। और दोस्तों ये पूरा बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल का खींचता है, जैसे कि अगर हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं तो दोस्तों इसमें आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, हाँ तो ये दोस्तों अगर हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं तो दोस्तों चारों तरफ का हमारा है ना मतलब मैक्सिमम पूरा एरिया आपका कवर कर लेता है, इसमें बहुत ज़्यादा वाइड एरिया होता है इसका। और ये दोस्तों आप सभी जानते हैं GoPro Hero 9 आपका मैक्सिमम ये एक्शन कैमरा है, और GoPro की सारी सीरीज एक्शन कैमरा होती हैं, और दोस्तों इसमें स्टेबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो दोस्तों ये कैमरा मतलब वर्थ इट है अगर इतना राउंड ऑफ कॉस्ट खर्च करते हैं, और दोस्तों आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, और दोस्तों अगर आपको अलग अलग प्लेसेस घूमना पसंद है तो दोस्तों स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप दौड़ भी रहे होते हैं ना तो दोस्तों आपकी वीडियो एकदम ज़्यादा ब्लरी ऐसे हिलते हुए नहीं आएगा। अगर आप फोन भी चलाते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि फोन से अगर रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे धुंधलापन आता है, एकदम हिलते हुए आती है वीडियोस, बट ये दोस्तों ये वीडियो इसमें एकदम आप लोग एकदम अमेजिंग आती है। तो दोस्तों ये रहा मेरा मतलब GoPro Hero 9 का मतलब कि अभी तक का मैंने जो खरीदा है मेरा रिव्यू है। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियोस अगर आपको दिखाऊंगा आगे वाली वीडियोस में, आगे वाली व्लॉग्स में आपको मैं इसमें अपनी वीडियोस इसी से रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं आप सभी को उसमें दिखा दूंगा कि इसका फुटेज कैसा है। क्योंकि दोस्तों अभी इसके साथ एक और चीज़ की हमें कमी पड़ रही है, आपको कार्ड रीडर या फिर मेमोरी स्लॉट वाला एक आता है ना वो लेना पड़ेगा, कि जैसे OTG केबल वाला टाइप का जो होता है कि इससे आप अपने फोन में कनेक्ट कर सके, इसकी वीडियो निकाल सके, या अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके इसके मेमोरी कार्ड से आप उसमें वीडियो ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पर रिकॉर्ड भी करता हूँ बट इसको निकालने के लिए आपको डाटा केबल वाला चाहिए जिसमें मतलब मेमोरी कार्ड लगा के आप उसको निकाल सकें। तो इसलिए दोस्तों इस चीज़ को खरीद रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको खरीदनी पड़ेगी साथ साथ, जैसे कि माउंट्स हो गए, आप लोग को माउंट्स लेना जरूरी है, जैन व्लॉगिंग के लिए दोस्तों स्टैंड्स आते हैं वो लेना पड़ेगा, एंड दोस्तों कई सारी चीज़ें। और दोस्तों आपको इसमें और भी चीज़ें जाननी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा। क्योंकि दोस्तों ये मैंने खरीदा है थोड़ा, मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी ली है तब जाके मैंने इसके बारे में खरीदा है, क्योंकि मैं दोस्तों कन्फ्यूज था कि DSLR लूँ कि DSLR वाले कैमरा लूँ या व्लॉगिंग कैमरे के लिए या इसको लूँ। तो दोस्तों मेरे को मैक्सिमम रिव्यूज़ में यही बहुत अच्छा बेस्ट बताया गया कि GoPro Hero 9 बहुत अच्छा है, इसलिए दोस्तों मैंने इस GoPro Hero 9 को लिया है। क्योंकि दोस्तों हमारी फर्स्ट सैलरी आई थी YouTube से, तब हम लोग ने इससे मतलब इसीलिए हमने इसको खरीदा है, और दोस्तों उसी के बेसिस पे हम लोग ये वीडियो आपको बना के मैं दिखा रहा हूँ कि दोस्तों अपनी फर्स्ट सैलरी से मैंने अपना GoPro Hero 9 खरीदा, मतलब माई ड्रीम कैमरा, एंड दोस्तों इट्स वेरी अमेजिंग। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप भी खरीदने जा रहे हैं तो दोस्तों GoPro Hero 9 ले लीजिएगा, बहुत बेस्ट है। और GoPro Hero 10 भी आ गया बट मैंने GoPro Hero 9 खरीदा है, क्योंकि दोस्तों अपना बजट अभी इतना ही था, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी 45,000 तक लग चुके हैं इसके अंदर, तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा बजट था। अब GoPro Hero 10 खरीदते हैं तो दोस्तों वो और ज़्यादा 50,000 से ऊपर पहुंच जाता, 55,000 के आसपास तक पहुंचता। तो इसलिए दोस्तों आज के लिए बस इतने रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टाटा।